भैया आगे तो बहुत रोड खराब है भैया। भैया भैया आप कैसे जाए यहाँ से भैया? भाई पहाड़ों पर रोड कैसे बनाया जाता है उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। की वजह से जो वहां से गाड़ी आ रहा था वो भी नहीं आया, आ पाया, बीच रास्ते में रख दिया तो बंदा ऊपर टॉप पे मर गया। कल परसों ही हमने डेड बॉडी लेकर, हाँ खाना सामने मिलेगा सोया चाप से, अभी बकलोली मत करना है खाने पीने की हुई। कुछ कह भी नहीं पाया मैं तो। अब बाहर का नजारा देख रहे हो, ये हमारे रूम से बाहर का नजारा आया, कितना सुंदर लग रहा है ना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम ना ये सब पदम में रुके हुए हैं। एक्चुअली सीन क्या है ना कि अपन लोग जो है लेह से निकले थे मनाली जाने के लिए, बट हुआ गया कि कल जो मनाली का रूट था ना इवन डेट पर बंद था, तो हमें मनाली जाना था। हमने जल्दबाजी कर दी और वहाँ पे हमें जो सिक्योरिटी वाले थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें सजेस्ट कर दिया कि आप जंस्कर रोज चले जाओ, आप पहुँच जाओगे। हमें सोचा ठीक है जंस्कर निकल जाएंगे, रूट देखा और फिर हम जंस्कर से निकल गए। कारगिल रूट से नहीं, एक खलसी से एक नया रूट निकला है, वहाँ से होकर निकले थे अपन लोग। वो रूट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना तो उसको, इससे पहले वाले ब्लॉग है इसके लिए यहाँ दे दे रहा हूँ आपको, मैं चेकआउट कर लेना। बहुत ज़्यादा खराब रोड थी। आज का सीन क्या हो गया है, अगर जो सिंकुला पास है वो पार करना है, ठीक है, उसके बाद दारचा वगैरह आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से अभी चेकआउट कर रहे हैं और जहाँ से सिंकुला पास है ना वो कुछ अभी 70 किलोमीटर के आसपास है, उस तक की भाई हमें जाने दें उस पास से, क्योंकि वहाँ से फिर मनाली दूर रह नहीं गया है, उसके बाद रोड भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहा है सुबह। सामान सारा हमने पैक कर लिया है अपना और अपनी गाड़ी ये खड़ी है। इसका हाल दिखाता हूँ तो पास से आपको मैं, इतनी भाई मिट्टी जमी हुई गाड़ी पूरी तरीके से, इसका तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है अभी। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ना एयरटेल का नेटवर्क तो बिल्कुल गायब है, ठीक है, यही टावर ही नहीं है यहाँ पर। जियो का नेटवर्क है यहाँ पर, लेकिन अभी क्या लाइट चली गई है ना, काफ़ी देर लाइट नहीं आ रही यहाँ पर, उसकी वजह से क्या होगा उसकी बैटरी खत्म हुई होगी तो जियो के नेटवर्क भी चले गए। तो भैया क्या करें, ना वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं आगे, देखते हैं आगे, एक बार चेक कर लें सिंकुला पास के लिए कि हमें अगर परमिशन मिल जाए जाने के लिए तो भाई हमारा मज़ा आ जाएगा, निकल जाएंगे यहाँ से। अगर आप लद्दाख जैसे ट्रिप पर आ रहे हो ना जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है, तो उसके लिए आपको ना अक्कांत भाई ऐसा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आना आप लोग, हो सकता है जरूरत पड़े, आपको नहीं पड़ेगी तो आपके साथ जो होगा उसको पड़ेगी, हर्ष भाई को जरूरत नहीं पड़ी बट मुझे जरूरत पड़ी। एंड बॉडी प्रॉपरली एक्सरसाइज भी हो गई थी हमारी, बट फिर भी 18-17 हज़ार फुट पे ऐसा लगता है कि भाई मरे, वो वाली चीज ना हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आओ। मतलब इतना महंगा थोड़ी 250-300 रुपए का एक कैन है यार, 4 कैन डाल लो। बाकी कल का जो रोड बता रहे हैं ना सिंकुला पास के लिए वो थोड़ा टफ है, वो बता रहा है कल जो आप रोड से आए हो ना वो तो कुछ भी नहीं है, सिंकुला पास का रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो लेट्स सी वहाँ पे क्या, एक्चुअली स्नो है ना जो वो क्या है इसमें पिघल रही है, ठीक है, पानी जो ज़्यादा वहाँ पे है सर, रोड में गड्ढे हैं, माफ कीजिए, रोड में गड्ढे ज़्यादा हैं, ठीक है, पानी वहाँ पे फैला हुआ है ज़्यादा, तो वो दिक्कत ज़्यादा है वहाँ पर, तो गाड़ी वहाँ पर दब रही हैं, धस रही हैं वहाँ पर, तो वो थोड़ी है वहाँ पर। पादम से चलने के बाद ना अभी थोड़ा सा हम चले होंगे 20 किलोमीटर के आसपास बस, ठीक है, उसके बाद का रोड ना कुछ ऐसा खराब हो गया यार, ये देखो आप। लेकिन क्या है, इतना तो है कि आज रोड चौड़ा है, वो उतना नैरो नहीं है इतना कल था, बगल में पगडंडी थी भाई, आधा नीचे खाई और नैरो रोड और खाई बस भाई। बीआरयू टीम की मेहनत की वजह से ही ना ये रोड बनेगा और उसके बाद ही ना ये गूगल मैप पे अपडेट होगा। 5-6 साल लगेगा इसमें भाई, आराम से लग जाएगा यार, रोड का हाल काफी खराब है भाई, तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा अभी। चलो तो भाई ऐसा है कि बहुत अच्छे रोड के भाई हमने ले लिए थे, लेकिन चौड़ी वोड़ी छोड़ो, रोड सब बराबर हो गई है, रोड ऐसी हो गई है जो कल की थी, खतरनाक भाई साहब चल रहा है भैया 50 किलोमीटर ऐसी रोड पर हमें अभी आगे बढ़ना है अभी, तो यार स्पीड आ रही है 20 की स्पीड गाड़ी चल रही है, 4 लो पर गाड़ी डाली हुई है, आराम से चढ़ चले जा रही है, पहुँचते भैया सिंगुलर टॉप, बस इतना हो जाए कि वहाँ पर ओपन हो, बंद ना हो यार बस, नहीं तो फिर ये सारी मेहनत ना इतनी बर्बाद हो जाएगी ना, इतनी अगर लौट के आना पड़ा यहाँ से भाई हमसे ना हो पाएगा फिर। अब बात ये नहीं है कि रोड खराब है कि हमें इसलिए नहीं हो पाएगा, बात ये है कि अब थक चुके हैं, अब इतना ज़्यादा ना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के, यार निकलना है यहाँ से बस, निकल नहीं पा रहे यहाँ से तुम लोगों को भी। सर शिंकुला दिस वे गोइंग राइट, सर हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर शिंकुला, how much time it will it take for Shinkula pass? Shinkula for the 4 hours. More than 4 hours. Yes. Okay, thank you. Okay. भाई 4 घंटे लगेंगे? भाई क्या है? 4 घंटे बता रहे हैं यहाँ से अभी तो यार।
शेड यार। शिंकुला टॉप के लिए बताना है शायद। तो यार शिंकुला टॉप ही तो करना है। मैं एक गाड़ी दिखी हमें यहाँ पर, क्या बात कर लेते हैं इनसे। सर शिंकुला का क्या स्टेटस है? शिंकुला का क्या स्टेटस है? शिंकुला से ठीक है। गाड़ी है, कोई दिक्कत? गाड़ी जा रही है, भी जा रही है। कीचड़ है ना, चढ़ जाएगा थार? कीचड़ है इसमें भाई साहब, बता रहे हैं लोग वाग। भाई से पूछ रहे हैं ना कोई शिंकुला का सीन जो कह रहा है कीचड़ है, यूं 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 कह रहा है, यूं यूं नहीं कह रहा, यूं नहीं है, इसीलिए यूं कह रहा, सीधी खड़ी चला रही है। अबे भैया भाई आगे आकर के थोड़ा रोड तो ठीक आ गई है, लेकिन लेकिन बहुत नैरो है भाई, बहुत ही ज्यादा। बगल में अपने यहाँ पे रिवर चल रही है, खाई है और बढ़िया वाली खाई है, देखो एक बार है कि नहीं। और यहाँ पे चल रही है अपनी बढ़िया सी रोड। यार एक बात तो है, ये देखो सामने भाई साहब, आगे से गाड़ी आएंगी ना जब, तो यहाँ काफी दिक्कत हो जाएगी यार। ये देखो आप रोड भाई साहब, ट्रक आ रहा है, आगे से गाड़ी आ रही है, तो ये थोड़ी दिक्कत तो होगी भाई। देखो जितना पास में आते जाए ना गाड़ियां वाली, और वहां पे कहीं खुला जो रोड हो वहां पे साइड दबा लेना, फिर थोड़ा वेट कर लेंगे, क्योंकि ना सही नहीं है यार, बहुत ज्यादा नेरो है। बगल में ना जो रोड आप देख रहे हो साइड में, ये ना खिसकने वाली चीज है यार, ये टायर उस पर गया ना तो खिसक जाता है, तो वो सीट थोड़ा खराब हो जाएगा ज्यादा। तो एक बार देख कर चलेंगे यहाँ से अपना अपन। भाई ये रोड इतनी ज्यादा खतरनाक है ना, ये देखो सामने मोड़ आ रहा है ना, साइड में कोई सपोर्ट तक नहीं है यार, और नीचे की खाई देखोगे अपना यार, ये देखो यहाँ से भाई साहब मजा आ रहा है, नजारे तो भाई साहब एक जोरदार है, एक से एक यहाँ पर। लेकिन जब जी वाले नजारे देखते हो ना सामने, गाड़ी जब ड्राइव करनी पड़ती है आपको, जब बैठना पड़ता है गाड़ी के अंदर ऐसी रोड में, भाई साहब अलग ही सीन हो जाता है यहाँ पर। चलो भाई यहाँ तक अपतान से गाड़ी काफी चला ली, अब टाइम अपना आ गया है, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़े टेरेन स्टफ हो गए हैं अभी, तो भैया चलो बैठते हैं गाड़ी में, ड्राइव करते हैं गाड़ी को। ओके भाई ये देखो यहाँ की रोड की हालत यार, रास्ते में भी एक और थार मिली थी हमें, ठीक है ना, वो लड़के आए थे हरियाणा के लड़के थे वो, और उनसे मैंने पूछा रोड कैसी आगे, ठीक है, तो वो कहते हैं भैया आगे तो बहुत रोड खराब है भैया। भैया भैया आप कैसे जाए यहाँ से भैया? भाई सुनो एक काम कर लेना, अब तो हम जहाँ से आए ना रास्ते में चले आए ना, अभी इस रोड पर रो रहे हो भाई, ये रोड तो बहुत चौड़ा है भाई, ये तो बहुत चौड़ा रोड है। उनका हालत भाषा ऐसी थी पतली भाई, सुनो खत्म थे यहाँ से जाने के बाद, थार के नाम पे आ गए हैं, थार पे लेकर चार लड़के थे आ गए रोड पे, उनका कांड बच गया भाई साहब भयंकर वाला। लेकिन क्या है ना, उनको हमने रूट बता दिया, आप जिस रूट से हम आए ना, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग हैं ना वो बड़े मजे लेते हैं, वो कहते हैं जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, रूट पकड़ लो, उनको वहां से निकाल लेंगे जल्दी भाई चक्कर में, और वो रूट उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। लड़के ट्रेंड नहीं थे भाई, वो लड़के घबराए हुए थे, फिर उनको हम समझाया कि तुम कारगिल से निकलो, बढ़िया रोड है एकदम। भाई आपके यहाँ पे वेट करना पड़ता है, जब आपको सामने से गाड़ी दिख जाती है ना, रोड इतना नैरो है ना, जब सामने ट्रक आ गए यहाँ पर, अब इनकी जगह मैंने की हुई है यहाँ पर, निकल जाए पहले यहाँ से, फिर हम निकलेंगे आगे। तो फिर भाई इसे देखा सामने, भाई यहाँ पर कैसे लेके आ गए, एमपीसी लेके यहाँ पे आया इस गाड़ी को, वो भी अकेला घूम रहा है। सही है भाई, इस गाड़ी लगा रोड तो है नहीं अली। क्या हुआ भाई? भैया बहुत खराब है, बहुत खराब है। भाई पहाड़ों पर रोड कैसे बनाया जाता है उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। देखो अभी ना पहाड़ को काट के बंदा पीछे से देखो रोड को काटता हुआ यहाँ तक आ गया बंदा, अब इसको आगे तक पूरा काटता हुआ ले जाएगा रोड निकालने के लिए भाई साहब। तो ये ऐसे रोड बनाई जाती है पहाड़ों पर यार। भाई फाइनली चेक पोस्ट आ गया यहाँ पे अभी, और यहाँ पर ट्राई करते हैं यार, एक बार बात बन जाए, गाड़ी चले जाए हमारी, निकल जाए, काफी गाड़ी खड़ी तो है यहाँ पर जाने के लिए, तो इनके पैर धो के पी जाऊंगा। निकल जाने बस भाई, देखते हैं आगे मालूम पड़ता है क्या रहता है सीन। अभी भाई गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पर, एक बार यहाँ चेक पोस्ट पे चल रहे हैं, क्या सीट रहता है यहाँ पर, कर रहे हैं क्या है जंस्कार, क्या बोल है नाम इसका,
गाड़ी और भी लगी हुई है यहाँ पर, ये बंद कर दिया यहाँ पे, एक बात करते हैं। अभी नहीं निकल सकते जी, परसों कुछ दिन पहले एक टूरिस्ट का एक गाड़ी किया, थार गाड़ी जो कीचड़ में फंस गया, उसकी वजह से जो वहाँ से गाड़ी आ रहा था वो भी नहीं आ पाया, बीच रास्ते में रख दिया, तो बंदा ऊपर टॉप पे मर गया। कल परसों ही हमने डेड बॉडी लेकर, थोड़ा नहीं है अच्छा, कीचड़ के अंदर बीच रास्ते में छोड़ के आ गया उसने, वो प्रेशर इतना पड़ा होगा भाई। ऐसा है कि यार पीछे पोस्ट है ना, यहाँ मना कर रहा जाने के लिए। सही बात भी है यार, एक्चुअल में क्या हुआ था कि यार बता रहे थे वो ड्राइवर खत्म हो गया था ऊपर यार, तो यार सही भी है, ठीक है यार, सेफ्टी जरूरी है। बाकी गाड़ियाँ ऊपर से आ तो रही हैं, तो सामने से गाड़ी आ रही है, ऊपर से आ रही है ये, क्योंकि इस समय क्या काफ़ी बर्फ हुआ, गड्ढे बहुत है जो वहाँ पे, क्या है बर्फ़ पिघल रही है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो गड्ढे बहुत हो गए हैं और गाड़ियाँ वहाँ पर फंस रही हैं, धस जाती हैं वहाँ पर जो है। तो फिर देखते हैं सुबह की, कह रहे हैं सुबह का सीन ऐसा है कि यार कि ना सुबह ही बता रहे हैं वो कि सुबह आप जब निकलोगे ना 7 बजे निकालेंगे, उस टाइम क्या बर्फ थोड़ी जम जाती है, ठीक है, तो गाड़ी गड्ढे में फंसती नहीं है, आराम से निकल जाओगे। अभी इस टाइम पे क्या पानी पिघल रहा है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं, मिट्टी है पूरी, धस रही है गाड़ियाँ अंदर, निकल नहीं पा रही हैं, तो वो इशू है भाई। भले ही 4x4 हो, कुछ भी हो, नो मैटर। यहाँ से ना अभी आगरा 900 किलोमीटर है, ऐसे लगा लो यार, यहाँ से जो मनाली है वो 150 आ रहे हैं ना, और 750 मनाली से आगरा है, 900 हो गया। लेकिन यहाँ के व्यू भी बढ़िया यार, ये देखो अपनी गाड़ी, देख रहे हो गाड़ी का हाल, ऐसी ना भाई। चलो भाई थोड़ा डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, फिर होम स्टे लेते हैं कुछ, यार होटल मिल जाए, देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, सारे होम है यार, होम स्टे मिलेंगे सारे, यहाँ पर होटल नहीं मिलेगा यार, है होटल की दिक्कत हो जाएगी यार, होटल ना मिल रहा है। चलो देखते हैं, यह पहाड़ अच्छा लग रहा है ना, है ना, ये तो भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो घर जाना है। 2:30 बज रहा है यार, घर तो मुझे भी जाना है भाई, क्या करें। सुनो सुबह 10:30 निकले थे यहाँ तक के लिए, कितना किलोमीटर होगा, 60 से 70 किलोमीटर बस, कितना घंटा, 4 घंटा हो गया, 4 घंटे तो ऊपर ड्राइव करी पता हमने, तो भाई साहब पागलों की तरह। उसे देखो, उसने वहां पानी गर्म किया है और उपमा बना रहा है बैठ करके, बिल्कुल अपना आराम से रिलैक्स होकर बैठ गया बंदा। हाँ भाई पोस्ट ये रहा, गाड़ी छाती पे लगाती है, जैसे खुलेगा ना सबसे पहले हम निकलेंगे यहाँ से। तो भाई कुछ उपमा खा लेते हैं, एनर्जी बहुत डाउन हो गई यार अभी ना। भाई साहब निकलते हैं, बाहर ठंडा भी हो गया यार। ये देखो भाई, इसे कहते हैं जुगाड़, इसमें हवा नहीं लगेगी, अपना आराम से जो उपमा भी पानी डालते हैं फिर इसको खाते हैं यार। भाई मौसम खराब हो रहा है अभी, भाई लग रहा है मौसम ना बादल छाते जा रहे हैं ऊपर, या स्नोफॉल नहीं हो जाए, सामने सब साफ दिख रहा था लेकिन अभी ना इतना ज़्यादा बादल आ गए इनके ऊपर, भाई सीन खराब हो जाएगा, पानी पड़ेगा पानी या फिर स्नोफॉल हो गया ना तो सीन खराब है भाई। बाहर तो ना बहुत तगड़े बादल हो रहे हैं, बहुत पानी है क्या। अरे भाई गाड़ी है बैठी हुआ है भाई, बताऊं इनकी गाड़ी फंसी है ना, इनकी गलती नहीं है, मौसम एकदम बदला होगा, मौसम बदला होगा, ऑब्वियसली मौसम एकदम बदला होगा, ये 5 मिनट में हो गया यार ऐसा, धूप थी जब से धूप निकल रही थी, ठीक है ठीक है, भयंकर अभी एकदम से सडनली जो है ना मौसम चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा वाला डार्कनेस हो गई है मौसम में, देखो अभी बादल छाते जा रहे हैं बुरी तरीके से, पहाड़ों के ऊपर देखो टॉप पर। भाई नीचे चेक पोस्ट ना अपनी गाड़ी की आरसी जमा करके यहाँ पे गाड़ी को लगा दिया है, और साइड में लगाया है, रोड पे नहीं है, रोड है ये, रोड है भैया, मेन रोड है जाली, यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। और अभी मौसम थोड़ा काफ़ी ठंडा हो गया यहाँ पे यार, ओहो भाई बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है ये, पता है लेह से ज़्यादा ठंडा है, लद्दाख से ज़्यादा ठंडा है, क्यों भाई, हम फंडर वगैरह गए थे कुछ नहीं था वहाँ पर, तो हमारा होटल देखा आपको, देखो हमारा होटल ये रहा है, ये वाला हमारा होटल है भाई। भाई अंकल कहाँ हैं, कस्टमर ढूंढने गए होंगे वो तो अभी, इसमें क्यों कह रहे थे वो, चुपचाप सो जाओ शाम को खाना देंगे तुम्हें, यहाँ तो खाना खाने का ही नहीं था। अरे भाई कहाँ, इधर ऊपर, इधर भाई इधर, चलो भाई रूम में जा रहे हैं अपने ऊपर। क्या हाल है भाई, हाँ भाई क्या चल रहा है जीवन में तुम्हारे यार, पूछो मत यार, इतना बुरा हाल है कि क्या बताऊँ तुम्हें, ऐसी भैंस के जो गोबर की बदबू है भाई, कसम नाक में चढ़ रही है। तो भाई ऐसा है कि हमने यहाँ पे लिया एक होम स्टे, ठीक है, अब होम स्टे आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं, एक्चुअली हम लेटे हुए थे, थक गए ना, अब थोड़ा सा उठने में भी थोड़ा दर्द मर रहा है, तो लेकिन आपको दिखाना तो है भाई। देखो भाई ये यहाँ पे अलमारी है, ये हमारा बेड है, यहाँ पर नीचे बढ़िया था बना रखा है यहाँ पे अच्छा खासा, 400 रुपये पर हेड के हिसाब से रूम है भाई, ठीक है, और यहाँ पर
300 रुपए पर हेड के हिसाब से रूम है बाहर का। मेन गेट ये है, आप जब सो रहे होंगे ना कोई भी, क्या मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे गद्दे डाल रखे हैं, यहाँ पे देखेंगे वो, ये देखो पैसा छापने की जुगाड़ है भाई, तगड़े जुगाड़ है भाई, ऐसा ना हो जो सुला देगा तो अपन से नहीं हो पाएगा फिर भाई, जाना पड़ेगा यहाँ से फिर। चलो भाई, अरे कौन मरेगा यहाँ पे यार, सीधी बात है, अभी रात में और आएंगे, अभी क्या है, हमें खे गया है, खाना शाम को मिलेगा, सो जाओ। हाँ खाना शाम को मिलेगा, सो जाओ चुपचाप से, अभी बकलोली मत करना है, खाने पीने की कोई कुछ कह भी नहीं पाया मैं तो। हम तो चुपचाप से भैया लेटे हुए हैं, मिल गया एक छत, मिल गई बहुत है लिए तो, छत देखो, दो छत देखो, बाहर एक पड्डा सो रहा है काले रंग का इसका, ये हाल है भाई, इस समय निडाल है यार, बड़ा है निडाल हो गए, बहुत ताकत नहीं है यार। चलो भाई इसको बंद करता हूँ अभी, ठीक है, बाय बाय। तो चलिए फिर ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इससे हम भी क्या ही करेंगे इस वीडियो को, अब कुछ है भी नहीं ऐसा खास कुछ करने के लिए, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। मेरे गले में ना यहाँ पे ऊपर तल जल गया था ना, वो छाला बढ़ गया जलने की वजह से, तो बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में, खा भी पानी जाऊँ बिल्कुल भी, बहुत दिक्कत आ रही है उस समय। चलिए फिर इस वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उसको मत भूलना, ठीक है, ये देखो व्यू दिखा रहा हूँ, कम कर दी वीडियो, बाय, वाओ।